इंदौर में 16 वर्षीय नाबालिग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपी की बहन को मोबाइल पर मैसेज करता था। जब इस बात का पता लड़की के भाई को चला तो उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। घटना खजराना थाना क्षेत्र के करबला मैदान की है। यहां 16 वर्षीय शफीक पर चाकू से हमला किया गया। घायल शफीक को परिजन MY अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही TI दिनेश वर्मा ने घेराबंदी कर महज कुछ ही देर में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला है कि मृतक शफीक एक आरोपी की बहन को फोन पर मैसेज कर बात करता था। जब ये बात आरोपी को पता चली तो उसने चाकू मारकर हत्या कर दी। सर, एक घटना क्रम हुआ है, चाकूबाजी? हाँ, एक चाकूबाजी की घटना हुई है करबला में, जिसमें मृतक एक शफीक करके उसकी मृत्यु हुई है। नाबालिग है, उसको जो मारने वाले हैं वो भी नाबालिग लड़के हैं, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया तत्काल। इनका आपस में कुछ ऐसा अभी तक की उसमें पता चला है कि जो कृष्णा करके एक लड़का है, उसकी बहन को आरोपी कोई मैसेज वैसेज करता था, उसी बात पे इनकी कुछ बातचीत हुई थी, तो उसी को लेके इनने तत्कालिक कारण से चाकू मार दिया जो उसके पेट में लगा और उसी से उसकी मृत्यु हुई। मृतक यहीं मजदूरी का कार्य करता है, बाबा नगर का रहने वाला है। कहाँ घटना हुई थी? करबला का जो मैदान है, अंदर गार्डन है, वहाँ पे हुई थी। अभी दो को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ? मेरा छोटा वाला भाई बल्ले पे बैठा हुआ था, तो मैंने फ़ोन लगा के उसको बुलवाया। मैंने बोला मुझे गाड़ी दे दे, मैं करबला जा रहा हूँ। वो मुझे गाड़ी देकर चले गया। अब पता नहीं उसके कहने फ़ोन आया या उसको साजिश से किसी ने बुलाया, और बुला के 10 मिनट बाद मुझे वापस रिटर्न फ़ोन आया। मैं रिंग रोड पहुंचा था और रिंग रोड पे मुझे फ़ोन आया कि छोटे वाले को किसी ने चाकू मार दिए। तो मैंने ऐसी कैसी गाड़ी पलटाई, और जब मैं वहां पर गया तो 3-4 जने कोई थे, पर वो है ना जब तक के निकल चुके थे, और छोटे वाले को हम हॉस्पिटल लेके गए। शफीक नाम था छोटे वाले का, और जाली फाटक का काम करता था, फेब्रिकेशंस का। कोई विवाद नहीं थे, कोई विवाद नहीं थे, बहुत अच्छा बच्चा था सर, कोई विवाद नहीं थे उसके। उधर के कोई लड़के हैं, जिसमें से एक को तो पुलिस ले आई है, और पता नहीं कितनों को लाना है। अभी 2-3 थे, 3-4 जने थे शायद। नाम मालूम है उसका? दोस्तों बता, नाम कृष्णा नाम है उसका। वो तो मिला नहीं साहब मेरे को, वो कोई कारण नहीं आया अभी साहब। अभी छोरा क्या है, छोरे को चाकू मार दिया, स्थिति क्या है सर? मना कर दिया हॉस्पिटल वालों ने, बोले ले जाओ, कुछ भी नहीं है, इस पार्ट भी हो गया। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान, उसका बड़ा भाई हूँ मैं। नाबालिग के सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।